नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास वेब कैम है, और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब कैम को कैसे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद इससे फ़ोटो कैसे खींचा जाता है, इससे रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों मैं ये कम्प्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो को ज़्यादा बनाता रहता हूँ। अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनमेंट पर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि वेब कैम को कैसे कनेक्ट करेंगे, फ़ोटो कैसे खींचेंगे। और हमारे हाथ में वेब कैम है और यह वेब आईवॉल कंपनी का है, और ये मेरे पास पुराना जो है, और इसके माध्यम से मैं ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे जो है हम इस वेब कैम को अपने इस कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये हमारा हार्डवेयर है, और जब भी हार्डवेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो हमको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर में अगर विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उस केस में आपको सिंपली इसको जो है आप यूएसबी पोर्ट में, आप देख पा रहे हैं ये जो यूएसबी पोर्ट में लगा के आप सीधे इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे इस कंप्यूटर में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो दोस्तों मैं सीधे आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा यूएसबी जो वाला जो सिरा है, इसको हम सीधे यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं लाइट दिया हुआ है, हम जला के देख लेंगे कि वाकई में ये कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें लाइट आ रहा है, ये हमारा जो वेब कैम है सीधे इससे हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि आप वेब कैम के अंदर कैसे जो है आप फोटो को खींचेंगे और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके बाद जो स्टार्ट बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको कैमरा लिखना है CAMERA। तो दोस्तों आप यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे हैं कैमरा आ रहा है, इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है। देख पा रहे हैं हमारा वेब कैम यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और देख पा रहे हैं हमारा जो कीबोर्ड का जो है इमेज इसमें आप देख पा रहे हैं कैसा आ रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि फ़ोटो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ोटो खींचते कैसे, देख पा रहे हैं यहाँ पे दो मोड दिए हुए हैं। पहला जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। दूसरा जो ऑप्शन दिया फ़ोटो खींचने के लिए, इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड का फ़ोटो खींच के आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टेक फोटो आप देख पा रहे हैं, जैसे हम क्लिक कर पा रहे हैं आवाज़ आ रही है और इसका फ़ोटो खींचा जा चुका है। चलिए दोस्तों अब मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे जो टॉप पे आप देख पा रहे हैं वीडियो का जो आइकन मिला है, इस पर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली इस पर आप प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग को क्लोज़ करता हूँ, फिर मैं आपको ये जो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ इसको आपको सुना के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में वेब कैम के माध्यम से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी हमने फ़ोटो खींचा है और जो भी रिकॉर्डिंग किया उसको आप कैसे देख पाएंगे। तो फाइनली मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्रॉस का बटन है, इस पर क्लोज़ किया। तो फोटो को देखने के लिए और जो भी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया है उसको देखने के लिए आप सीधे पहले आप जो है दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, और दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद आप जो यहाँ पिक्चर जो दिख रहा है आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। पिक्चर के बाद आप देख पा रहे हैं हमारे इसके अंदर कैमरा रोल दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं इस पर ये वीडियो का सिंबल बना हुआ और यहाँ फ़ोटो का सिंबल बना हुआ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो मैंने कीबोर्ड का खींचा था। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड का फ़ोटो यहाँ पर आ रहा है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इमेज आपको कैसा लग रहा है। फाइनली इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, और फाइनली दोस्तों मैं वीडियो आपको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। और दोस्तों मैं यहाँ पे सिंपल के तौर पे इसको मैं यहाँ क्लोज़ कर दे रहा हूँ। आपने इसका क्लिप आपने सुन लिया, और इसका भी कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको जो है वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है। और अगर आप इस वेब कैम को ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा, मैं इसका जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये सीख गए होंगे कि वेब कैम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फ़ोटो कैसे खींचा जाता है, रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।